आज व्लॉग का टॉपिक जो है वो हम लोग एक बहुत बड़े मुसल्ला कर जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे, जिसका आप लोगों ने एक वर्ल्ड गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड सुना होगा। तो आज हम लोग वहां पर ही आए हैं, आप लोग भी देखें और मुझे कमेंट्स में जरूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो उसकी कुछ वजूहत थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस आ गए, असर की नमाज का वक्त हो गया है, बड़ी जबरदस्त मीठी मीठी सी धूप है, जाते हैं। बिस्मिल्लाह, जमात खड़ी हो चुकी होगी। काफ़ी दिन बाद आप लोगों ने तो मिस किया हो या ना किया हो, इनको हमने मिस किया, तो आज आप लोग भी देखेंगे हमारे साथ। माशाल्लाह ये टीम है हमारी आज की व्लॉग में, तो इंशाल्लाह हम लोगों ने क्या करना है वो आप लोग देखेंगे। मराहिबल मतर, इन लोगों ने कहा है कि हमारी भी वीडियो बनाई जाए। ये वो रोड है, यहाँ से हम लोग हरम जाएंगे और इजली यहाँ से हम लोगों को टैक्सी मिल जाएगी, और वो भी बहुत अच्छे और नॉर्मल प्राइस में। फद्दल ये अबू वाइल, आज हमारा नाम अबू वाइल है इनकी तरफ से। यहाँ से हम लोग इंटर हो चुके हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुरान पाक का म्यूजियम बनाया गया है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। अच्छा ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आया बनकर, जज़ाकअल्लाह खैर, जिन्होंने भी ये काम किया अल्लाह ताला उनको अजर दे। अच्छा ये देखें, ये डिटेल लिखी हुई है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, 1987 की बात है। का नाम रहा इंसान जिन्होंने बनाया, उनकी 30 साल उम्र थी। वो अंतहत मिल किताब आम 2018 में हाइफ बल उम्र रहा 62 सना। तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है, और इसी तरीके से यहाँ पर लाइन में और भी अलग अलग मुसहफ पढ़े हैं कुरान मजीद। मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो जो जो चीज़ मुझे सामने नज़र आ रही है मैं उसकी वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ पर कुरान मजीद का इंटरेस्ट होते ही छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है। अरब में आप लोग जहाँ भी चले जाएँ, जिस जगह पर भी चले जाएँ, हाई फाई हो, छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, हत्ता के कहीं भी किसी के पास छोटा सा तकवा भी लगा हुआ ना बैठने का, तो अरबी कॉफ़ी वहाँ पर अवेलेबल होती है। ये जी अरबी कॉफ़ी है इसमें, और अक्सर इसमें जो है वो खजूर रखी होती है, तो खजूर अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी हम लोग एग्जैक्ट जो है वो पीछे वाले गेट से निकले हैं, इसके बाद हम शायद उसी एंट्रेंस में होंगे फुंदुक अलदरीस में। बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये ख़ास जो जबल उमर का कंस्ट्रक्शन जो चला है उसमें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक आला किस्म के होटल्स और हजाज के लिए सर्विस बनाई गई है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये सारे फ्लोर्स हैं, तो हमने आई थिंक शायद 29 में जाना है, 28 में है, 26 पे। यहाँ पर आने के बाद तीनों ने अपने जो है एक्सपीरियंस जो है ना आजमाए हैं, एक ने ये दबाया, एक ने ये, तो मैं कहता हूँ 36 पर है वो। इस वक्त हम लोग 36वें फ्लोर पर हैं, और यहाँ से जो आप लोगों को हम लोग मसल्ला दिखाएंगे जिसका रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक में भी लिखा गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं और आए एक साथ जो है यहाँ का नज़ारा करते हैं। बस जो है यहाँ लेफ्ट पर लेडीज है और राइट पे जो है वो जेंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने शूज वगैरह रख लेते हैं, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। मस्जिद अल हराम जो है अभी हमारे बैक साइड पे है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये सारी आबादी जो है वो मक्का मुकरमा की है, और ये न्यू प्रोजेक्ट अल मसार के नाम से जो चल रहा है उसकी ये सूरत हाल है अभी फिलहाल। ये पुरानी आबादी, ये आने वाली इंशाल्लाह, और ये अभी फिलहाल वक्त की। इफ्तिकर साहिब अना मर्रा गुलत लक हतलक फो, एक दिन मैंने इस दोस्त से कहा था कि जिस दिन मैं गया इस जगह पर मैं भी आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। आज ये अपने ख्यालों में यहाँ आके गुम हो गए हैं, ये जगह ही ऐसी है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। चलें अभी जो है वो हरम वाली साइड का, जो नीचे काबा शरीफ है और मस्जिद अल हराम है, वो सीन देखते हैं। ये जो नीचे मस्जिद दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये मस्जिद बिल्लादिन है, और ये हफायर वाला रोड जो डायरेक्ट आपको जबल काबा से लेकर आता है, और नीचे जो है यहाँ पर शारा मंसूर की कुबरी है। मुझे याद है ये सारा कुछ पुराना मक्का, और ये न्यू वो भी बन रहा है, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इसको भी कंप्लीट होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। ये वो मंजर है दोस्तों जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। सलात अला नबी, सलात अला नबी, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। देखें काबा जो है यहाँ से कितनी दूरी पे नज़र आ रहा है, ये वही हफायर वाला रोड आ रहा है, और यहाँ पर जबल काबा है। आपको एक और चीज़ यहाँ से बताता जाऊँ, वो नीचे जो आप लोगों को एक खाली प्लाट नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं दो ब्रिज के सेंटर में, तो ये वो प्लाट है, कब्रिस्तान है, जहाँ पर अय्यामुल जाहिलिया के टाइम लड़कियों को जिंदा दफन करते थे।
उसका दूसरा हिस्सा यहाँ तक नज़र आ रहा है। और यहाँ पर माशाल्लाह तबारकल्ला खूबसूरती से कुरान मजीद सारे सजा के रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग इस जगह पर आए हैं, बल्कि मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम के सहन में, मस्जिद अल हराम जहाँ से आपको काबा शरीफ नज़र आ रहा हो, तो मैं कहता हूँ वो एक्साइटिंग, वो फील्स जो फील आप करते हैं वो कहीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने ही आपके सामने काबा शरीफ होता है और आप काबा पर नज़र पड़ती है आपकी, तो सबसे बड़ा सुकून जो है वो इसी चीज़ में। माशाल्लाह तबारकल्ला तमाम मुसल्ली जो है वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी यहाँ पर मगरिब की नमाज़ का जो है वक्त करीब है, अज़ान होगी और यहाँ नमाज अदा करेंगे और फिर इंशाल्लाह यहाँ से रुख्सत होंगे। दोस्तों, इस जगह को छोड़ के जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मैं बैठा काफ़ी देर, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, जाना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम फिर अल्लाह ताला ने कोई ज़्यारत नसीब में लिखी होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। रात का मंजर शायद यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, अभी शायद शो हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला यौम, अल्हम्दुलिल्लाह अला इतमाम, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमल कसीर, कि जितना भी हम्द सना अल्लाह ताला की अदा करें कम है। बहुत अच्छा लगा आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। तो हरम से निकलने के बाद और वो फंदुक मसल्ला एड्रेस से निकलने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर। एक बैकवर्ड इलाका है, शाबी इलाका है शारा मंसूर का, तो उसके अंदर ये बहुत मशहूर अरीका हम कासिम का वो खाने आए हैं। तो मेरा तो खास इरादा नहीं था, क्योंकि इसमें फैट जो है वो कैलोरीज बहुत हाई होती हैं, तो दोस्त ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है, तो इसलिए हम लोग ये खाने आ गए। जी ऑर्डर आ गया, ये है अरीकत हम कासिम। इसके अंदर क्या कुछ डाला हुआ है, कॉर्नफ्लैक्स, बादाम, काजू और नीचे जो है मिल्क दूध भी है और फिर किश्ता भी है इसके अंदर। गंदम की रोटी है और साथ जो है वो केला है, ये उसके अंदर मिक्स करके बनाते हैं। वाओ, हम लोगों ने आज सारा दिन एक साथ गुजारा और इतना प्यारा लगा, इतना अच्छा लगा, और ख़ास करके वहाँ जा नमाज़ पढ़ी और व्यू को देखने के बाद, और जिनका फ़र्स्ट टाइम है जैसे मैं गया हूँ, तो मेरे लिए तो कोई जवाब नहीं है उसके लिए। जज़ाकल्लाह खैर अहमद, चुकरन ब्रो, माहताज। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी वीडियोस को। और चैनल के लिए मैं आपको काफ़ी टाइम से नहीं कहा कि लाइक तो मुझे हर कोई करता है, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियोस को। आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई, फी अमानिल्लाह।